हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नो पीडिया पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, विच इज अ टॉपिक फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो अगर आपने हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वाले फर्स्ट दो वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो प्लीज जाके उन्हें देख लेना। उससे क्या होगा, उससे आपको ये आज का वीडियो इजिली समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नो पीडिया चैनल को, ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जिसमें हमें एक सॉलिड दिया रहेगा और हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 6। तो यहाँ पे हमें रेडियस 6 वाले स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं हमारा स्फीयर का डायग्राम। तो कैसे आएगा हमारा स्फीयर? तो हमारा स्फीयर आएगा इस तरह से, जिसमें उसका रेडियस कितना रहेगा, तो 6। तो यहाँ पे रहेगा ओरिजिन और उसका रेडियस रहेगा यहाँ पे 6। तो यहाँ पे है 0 to 6, तो इस साइड में रहेगा 0 to -6। और अगर इस सर्कल का हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे आएगा, तो वो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो वो क्या रहता है, x² + y² = radius² तो यहाँ पे रेडियस है 6, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर क्या आएगा, तो 36। सो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x² + y² = 36। तो अभी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट यूज करना है वो अभी हम देखेंगे। तो एरिया वाले न्यूमेरिकल्स में हम हमारा फॉर्मूला यूज करते थे area = y (dx), और वहां पे हमारे लिमिट्स होते थे x वाले। तो जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v = (π×y²) और इंटू आएगा यहां पे dx। तो क्या है फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, volume = (π×y²dx). सो π y² का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और यहां पे अगर dx है तो हमारे लिमिट्स आएंगे x वाले। तो यहां पे भी x = lower limit रहेगा और यहां पे x = upper limit रहेगा। तो यहां पे वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये -6 से 6 तक। तो यहां से यहां तक अगर मैं इतना सेमी सर्कल लू और उसे मैं 180 डिग्री में रोटेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, कंप्लीट स्फीयर। तो क्या करना है मुझे, -6 to 6 वाला इतना सा सेमी सर्कल लेके उसे 180 डिग्री में रोटेट करना है, जिससे मुझे मिलेगा हमारा स्फीयर और हम फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये वॉल्यूम वाले केस में हमारा रिक्वायर्ड एरिया कैसा रहेगा, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया रहेगा ये हाफ वाला सेमी सर्कल। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड रीजन जिसे हमें 180 डिग्री में रोटेट करना है। तो अभी हम अप्लाई करेंगे हमारा ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें लगेगा y² का वैल्यू, और हमारे पास इक्वेशन है x² + y² = 36। तो इसमें से y² का वैल्यू क्या आएगा, सो देयरफॉर y² = 36, और ये x² यहाँ पे आएगा तो वो बनेगा -x². सो हमें y² क्या मिला, 36 - x². तो अभी हम ये y² को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमें अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, volume = यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, देन π×, यहाँ पे आएगा y² का वैल्यू जो कि है 36 - x², और इंटू यहाँ पे है dx। तो अभी हमें यहाँ पे लिखने हैं इस हमारे एरिया के लिमिट्स। तो यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट क्या है, तो -6, और अपर लिमिट क्या है, तो यहाँ पे है 6। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि ये दोनों भी एरियाज सेम है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये सिर्फ सेमी सर्कल का भी हाफ, मतलब ये 1/4 वाला जो भी एरिया है, मतलब सिर्फ इतना सा एरिया, उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इसको हम करेंगे (× 2). सो इसके लिए क्या आएंगे लिमिट्स, इसके लिए हमारे लिमिट्स आएंगे x = 0 to x = 6।
और हमें इसे करना है इनटू टू। तो क्या किया मैंने, हमें इस सेमी सर्कल के लिए लिमिट्स चाहिए थे तो वो थे -6 to 6, बट मुझे यहाँ पे पता चला कि ये दोनों भी एरिया सेम है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, हमारा लिमिट लिया 0 to 6 और ये दोनों एरिया सेम है, इसके लिए मैंने इनटू 2 किया, तो मुझे मिला इतना रिक्वायर्ड एरिया के लिए वॉल्यूम। तो अभी हमें बस इसे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करना है। तो अभी ये आगे कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर आएगा अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये 2 तो ऑलरेडी बाहर है, देन ये पाई भी इंटीग्रेशन साइन के बाहर आएगा, देन हमें इंटीग्रेशन करना है 36 - x² का। तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में 36 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 36 का इंटीग्रेशन आएगा 36x, देन यहाँ पे माइनस साइन, देन x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² का इंटीग्रेशन आएगा x^n वाले फॉर्मूला से। तो क्या है वो फॉर्मूला, x^n+1/n+1। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे है 2 तो यहाँ पे आएगा 2+1, सो 2+1 मतलब 3, और सिमिलरली अपॉन में भी 2+1 मतलब 3। तो मैंने क्या यूज किया, x^2+1/2+1। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अभी आएंगे हमारे लिमिट्स, तो क्या है वो, लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 6। तो अभी हमें बस ये लिमिट्स पुट करने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे हमारा अपर लिमिट, तो यहाँ पे तो ये पहले से ही है 2π, देन ब्रैकेट के अंदर ये 6 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 36 × 6, सो 36 × 6 क्या बनेगा, तो 216, देन यहाँ पे है माइनस साइन, देन हम यहाँ पे पुट करेंगे ये 6 तो वो क्या बनेगा, 6³ और अपॉन में 3, सो 6³ क्या बनेगा, तो वो भी आएगा 216 और डिवाइड बाय 3, सो 216 डिवाइड बाय 3 क्या बनेगा, तो वो आएगा 72। देन अभी यहाँ पे आएगा अगेन माइनस साइन और हम पुट करेंगे 0, सो 36 × 0 बनेगा 0, तो वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। देन हम यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0³ मतलब 0, सो सिर्फ ये 6 वाले लिमिट्स वाले ही आंसर यहाँ पे आएंगे और 0 वाले आंसर डायरेक्टली 0 बन गए। तो ये बन गया हमारा आंसर आफ्टर पुटिंग ऑफ लिमिट्स। तो क्या क्या किया मैंने यहाँ पे, ये डायरेक्टली आया 2π, देन मैंने ये पहले 6 पुट किया तो क्या मिला, 36 × 6 मतलब 216, देन यहाँ पे 6³/3, सो 6³ था 216 डिवाइड बाय 3, तो उससे मुझे आंसर मिला 72। देन मैंने ये 0 पुट किया तो ये 0 बना, देन फिर से मैंने यहाँ पे भी 0 पुट किया तो ये भी 0 बन गया, तो वो 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो वो क्या आएगा आगे, पहले तो है ये 2π × 216 - 72, तो अगर आप ये माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 144। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 288π, और इसके लिए यूनिट आएगा क्यूबिक यूनिट्स या फिर यूनिट क्यूब, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, 288π क्यूबिक यूनिट्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, तो हमें स्फीयर दिया था ऑफ रेडियस 6, तो मैंने यहाँ पे रेडियस 6 वाला पहले स्फीयर ड्रॉ किया, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन क्या लिया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जो कि है x² + y² इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो हमारा रेडियस था 6 तो यहाँ पे r² आ गया 36। देन हमारे पास ये फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ πy² × dx, तो उसके लिए मुझे चाहिए y² का वैल्यू, तो मैंने यहाँ से y² का वैल्यू फाइंड किया। तो बाद में मुझे क्या करना था, -6 to 6 इतना सेमी सर्कल लेके मुझे उसको 180 डिग्री में रोटेट करना था। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई किया, क्या किया मैंने, -6 to 6 हमारे लोअर और अपर लिमिट थे तो ये दोनों एरिया सेम थे, तो उसके बदले मैंने क्या किया, मैंने पहला एरिया लिया 0 to 6, तो मेरा लोअर लिमिट आ गया 0, अपर लिमिट आ गया 6, और ये दोनों एरिया सेम थे इसके लिए मैंने सिर्फ इसको इंटू 2 किया, तो उसे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करने के बाद मिला मुझे हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमारा नेक्स्ट सम है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेंड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ एलिप्स x² / 36 + y² / 25 = 1।
अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें एक एलिप्स का इक्वेशन दिया है, तो हमें क्या करना है, उससे अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट करना है और उससे मिलेगा हमें एक सॉलिड, और हमें फाइंड करना है उस सॉलिड का वॉल्यूम। तो इसके लिए पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा हमारा एलिप्स। तो कैसे आएगा हमारा एलिप्स, तो हमारा एलिप्स आएगा इस तरह से, जिसका सेंटर रहेगा ओरिजिन पे, देन इसका एक्स वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है तो 36, तो ए स्क्वायर है 36, तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा ओनली 6, तो 36 का रूट क्या है तो 6। सिमिलरली यहाँ पे अभी ये हाइट क्या रहेगा, वाई स्क्वायर के अपॉन में क्या है 25, तो ये हाइट रहेगा हमारा 5। देन अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस एलिप्सॉइड, मतलब इस एलिप्स को एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करने के बाद हमें जो भी सॉलिड मिलेगा हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो सिमिलरली अगर यहां पे है 0 to 6, तो यहां पे क्या रहेगा 0 to -6। तो जैसे हमने हमारे लास्ट सम में सिर्फ सेमी सर्कल को रोटेट किया था 180 डिग्री पे टू फाइंड द वॉल्यूम, वैसे सिमिलरली हमें यहां पे भी इस एलिप्स के आधे पार्ट को रोटेट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगेन हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा आएगा, तो सिर्फ ये ऊपर का हाफ एलिप्स। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ये -6 to 6, ये इतना हाफ जो ऊपर का एलिप्स है उसे हम 180 डिग्री में रोटेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक कंप्लीट सॉलिड जिसे हम बोलेंगे एलिप्सॉइड, और अभी हम फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें लगेगा पहले वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो हम इस इक्वेशन से वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये यहां पे चला जाएगा तो वो माइनस बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 36। तो अभी हमें यहां पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू, यहां पे हम दोनों का बेस करेंगे 36, तो यहां पे अगर मैं नीचे 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे न्यूमरेटर को भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो ऊपर क्या बनेगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और उन दोनों का बेस क्या है तो 36, सो देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 25 यहां पे ऊपर चला जाएगा और अपॉन में आएगा ये 36, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मिला हमें वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या मिला हमें वाई स्क्वायर, 25 अपॉन 36 एंड इनटू ब्रैकेट 36 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमें ये वाई स्क्वायर का यूज करके और यहां से लिमिट्स यूज करके हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड सॉलिड। तो यहां पे अभी वी का फॉर्मूला क्या आएगा, वी इज इक्वल टू पहले तो आएगा इंटीग्रेशन, देन पाई, देन ब्रैकेट के अंदर क्या तो वाई स्क्वायर 25 अपॉन 36 इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो हमने क्या क्या किया, पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डीएक्स, देन यहां पे लिमिट्स किसके आएंगे, तो यहां पे dx है इसके लिए लिमिट्स आएंगे x वाले, तो यहां पे लिमिट्स कौन से आएंगे, -6 to 6। बट जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था कि ये दोनों एरिया सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस छोटे एरिया का पहले आंसर फाइंड करेंगे और इसको हम करेंगे इंटू 2। तो इस छोटे एरिया के लिए लिमिट्स क्या है, तो वो है 0 to 6, तो यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 0 और यहां पे आएगा x इज इक्वल टू 6, और हमें क्या करना है इंटू 2। सो अभी हमें यहां पे क्या क्या मिला, हमने यहां पे पाई इंटू वाई स्क्वायर पुट किया, देन लिमिट्स क्या किए 0 to 6, क्या किया मैंने 0 to 6, तो हमें इतने पार्ट का आंसर मिला इंटू मैंने क्या किया इसको तो 2। तो अभी हमें बस इसे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करना है। तो अभी इसका आगे इंटीग्रेशन कैसे होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ये पाई इंटू 25 अपॉन 36 को भी मैं बाहर लेता हूं, तो यहां पे आएगा 25 अपॉन 36। तो यहां पे अभी इंटीग्रेशन किसका किसका आएगा, मैंने ये 2 के साथ पाए और 25 अपॉन 36 को भी
बाहर लिया। तो अभी इंटीग्रेशन आएगा 36 का और एक्स स्क्वायर का। सो 36 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो वो आएगा 36 एक्स। देन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया था, हमने प्रीवियस सम में देखा था, एक्स रेस्टू 2 था, तो एक्स रेस्टू 2 प्लस 1 मतलब 3, और अपॉन में भी 2 प्लस 1 मतलब 3। और यहां पे आएंगे हमारे लिमिट्स, तो क्या है वो लिमिट्स, 0 टू 6। तो अभी हम पुट करेंगे हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे अभी मैं अगर ये 2 से 36 को कट करूंगा तो यहां पे बचेगा 18। तो यहां पे क्या क्या आएगा, 25 पाई और अपॉन में 18। सो 25 पाई अपॉन 18। देन ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, पहले हम पुट करेंगे हमारा अपर लिमिट, सो हम पुट करेंगे 6। सो 36 इंटू 6 क्या बनेगा, सो 36 इंटू 6 बनेगा 216। देन माइनस हम ये 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 का क्यूब अपॉन 3। सो 6 क्यूब क्या आता है, तो वो अगेन आएगा 216, और 216 अपॉन 3 करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें, 72। देन माइनस साइन, और हम पुट करेंगे हमारा लोअर लिमिट जो कि है 0। सो 36 इंटू 0 क्या बनेगा, तो 0। देन माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, सो 0 का क्यूब मतलब 0। तो मतलब लोअर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे आगे आंसर आएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा हमारा आंसर। तो अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो वह सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, 25 पाई अपॉन 18 इंटू 216 माइनस 72, तो वो बनेगा 144। सो 18 एट जा क्या आएगा, तो 144। सो 18 से मैं अगर इसको कट करूंगा तो मुझे मिलेगा 8। सो अभी 25 पाई इंटू 8 मतलब क्या बनेगा, 25 इंटू 8 बनेगा 200 इंटू आएगा पाई, तो ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, और इसका यूनिट आएगा क्यूबिक यूनिट्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसे फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या किया था, हमें जो एलिप्स का इक्वेशन दिया था उसके हिसाब से हमने एलिप्स ड्रॉ किया। देन उस इक्वेशन का यूज करके हमने फाइंड किया हमारा वाई स्क्वायर का वैल्यू। देन हमने यहाँ पे पाई इंटू वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट किया। देन हमने वो हमारा लिमिट्स वाला ट्रिक यूज किया जिससे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंटू 2, और लिमिट्स आएंगे 0 टू 6। देन हमने इसे इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करके हमें मिला हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो कि आया 200 पाई क्यूबिक यूनिट्स। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। तो हमारा नेक्स्ट सम है ट्रायंगल बाउंडेड बाय लाइंस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4 इज रिवॉल्व अराउंड द x एक्सिस, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है किससे, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4, ये तीन लाइन से, और हमें उस ट्रायंगल को रिवॉल्व करना है अराउंड द x एक्सिस, और उससे जो भी सॉलिड बनेगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा हमारा ट्रायंगल, देन कैसे वो रिवॉल्व होगा अराउंड द x एक्सिस, और किस तरह से हम फाइंड करेंगे उसका वॉल्यूम। तो पहले देखते हैं किस तरह से आएगा हमारा ट्रायंगल। तो इस तरह से आएगा हमारा डायग्राम जिसमें ये रहेगा y इज इक्वल टू x वाला लाइन, देन x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन ये वर्टिकल, देन y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन मतलब ये x एक्सिस। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, देन ये y इज इक्वल टू x वाला लाइन, और ये है x इज इक्वल टू 4 वाला लाइन। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, और अभी हमें इस ट्रायंगल को अराउंड द x एक्सिस रिवॉल्व करना है कितने, तो 180 डिग्री से, ताकि हमें मिलेगा हमारा रिक्वायर्ड सॉलिड, और देन हमें फाइंड करना है उसका वॉल्यूम। तो अभी इस केस में हमारा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा बनेगा, तो ये ट्रायंगल वाला। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, तो ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। तो अभी हम अप्लाई करेंगे हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाला फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें लगता है y स्क्वायर का वैल्यू, बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो y का वैल्यू। सो यहाँ पे है y इज इक्वल टू x, सो देयरफॉर यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो
एक्स स्क्वायर। क्या किया मैंने, यहाँ पे वाई का स्क्वायर किया तो यहाँ पे मुझे एक्स का स्क्वायर करना पड़ा, तो यहाँ पे मुझे मिला हमारा वाई स्क्वायर का इक्वेशन। क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अभी हम अप्लाई करते हैं हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाला फॉर्मूला। सो व्हाट इज वॉल्यूम, वी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन, देन यहाँ पे आएगा पाई इंटू वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पाई को बाहर निकाल लेता हूँ, पाई इंटू यहाँ पे वाई स्क्वायर क्या है तो एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा डी एक्स। क्या क्या किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ पाई इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, देन मैंने वाई स्क्वायर को क्या पुट किया तो एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे आएंगे हमारे लोअर और अपर लिमिट। सो यहाँ पे हमारा एक्स का लोअर लिमिट क्या है, तो एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा लोअर लिमिट आएगा जीरो, और एक्स का अपर लिमिट क्या है तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है फोर, सो हमारा अपर लिमिट आएगा फोर। तो अभी हमें बस इसे इंटीग्रेट करना है और हमें पुट करने हैं इसके लिमिट्स, तो हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो अभी ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, वी इज इक्वल टू यह है पाए, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स रेस टू टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, सो टू प्लस वन बनेगा थ्री और अपॉन में भी टू प्लस वन बनेगा थ्री, देन हमारे लिमिट्स है जीरो टू फोर। तो अभी हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू पाए देन इंटू ब्रैकेट एक्स क्यूब, तो हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 का क्यूब अपॉन 3, सो यहाँ पे आएगा 4 क्यूब और अपॉन में 3, देन आएगा माइनस साइन, देन हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या है 0, सो 0 क्यूब अपॉन 3 मतलब 0 विच इज इक्वल टू। तो अभी ये क्या होगा, आगे 4 का क्यूब बनेगा 64, सो 64 इंटू पाए और अपॉन में है 3, सो हमारा आंसर बनेगा 64 पाए अपॉन में 3, और इसका यूनिट आएगा क्यूबिक यूनिट्स। तो ये बनेगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये आंसर फाइंड करने के लिए मैंने यहां पे क्या क्या किया, मैंने पहले y इज इक्वल टू जीरो वाला लाइन लिया, देन y इज इक्वल टू x वाला लाइन लिया और x इज इक्वल टू फोर वाला लाइन लिया, तो उससे मुझे मिला ये ट्रायंगल, और मुझे इसे क्या करना था तो अराउंड x एक्सिस रिवॉल्व करना था, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा बना तो ये ट्रायंगल वाला। देन मेरे पास इक्वेशन था वाई इज इक्वल टू एक्स, बट हमें यहाँ पे लगता है वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया तो मुझे मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन मैंने वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पाई इंटू वाई स्क्वायर वाले फॉर्मूला में पुट किया, देन हमारे लिमिट्स क्या आएंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू फोर तक, देन मैंने बस इसे इंटीग्रेट किया, देन अपर और लोअर लिमिट पुट करके मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला हमारा फाइनल आंसर 64 पाई अपॉन 3 क्यूबिक यूनिट्स। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट होते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के सम्स। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको अगर आज के इस वीडियो में जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।